वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि सवेरे उठदिया सार ये कुछ गल्लां अपने आप नू कहणियां चाहीदियां ने, क्योंकि जदों ये गल्लां आपां अपने आप नू कहिंदे आ तां साडा मन पूरा दिन खुश रहिंदा है, साडा पूरा दिन वधिया बीतदा है। तां फिर आओ अज दी वीडियो दे राही जाणदे आ कि ये किहड़ियां गल्लां ने जो साडे पूरे दिन नू वधिया बणाउंदियां ने, सोहणा बणाउंदियां ने। तां इस करके वीडियो नू पूरा सुणिओ जी। जे वीडियो चंगी लगी फिर इस नू लाइक अते शेयर कर देना, नाल नाल कमेंट बॉक्स दे विच अपने विचार दस दिओ जी। तां आओ अज दी वीडियो शुरू करदे आ। देखो जी, साडे बजुर्ग साडे संत महापुरख हमेशा सानू एक गल समझाउंदे आ ना कि साडे दिन दी शुरुआत ही साडा पूरा दिन तय करदी आ। जिद्दां दी शुरुआत होवेगी उद्दां दा ही पूरा दिन बीतेगा। जेकर सवेरे सवेर असीं बड़े खुश उठे आ, साडा मन शांत आ, तां पूरा दिन असीं इसे तरह बतीत करांगे। पर जेकर सवेरे सवेर उठदिआं सार साडे मन दे उत्ते कोई बोझ, कोई चिंता चलणी शुरू हो गई, साडे मन विच कोई नैगेटिव ख्याल आ गया, साडे मन विच किसे दे प्रति गुस्सा आ गया, तां फिर साडा मन इन्हां चीज़ां दे नाल पूरा दिन भरिया रहिंदा है। तां इस करके जे आपां अपने दिन नूं सोहणा बणाउणा है तां सानूं अपने दिन दी शुरुआत वधिया करनी पैणी आ, क्योंकि दिनां तों ही जिंदगी बणदी आ। जे एक एक दिन नूं सोहणा बणावांगे तां साडी पूरी जिंदगी बड़ी सोहणी बण जावेगी। तां इस लई कुछ खास गल्लां दा ध्यान रखणा चाहीदा है। जदों आपां सवेरे उठदे आ, उठदिआं सार पहलां तां आपां वाहिगुरू जी दा शुकराना करना। अखां खोलण तों पहलां साडा ध्यान गुरु नानक पातशाह दे चरणां दे विच होवे। गुरु नानक पातशाह दे चरणां दा ध्यान धर के बोलना सतनाम वाहिगुरु, फिर वाहिगुरु जी का शुकराना करना। बिस्तर दे उपर बैठ के पांच वार, पंजाह वार, सौ वार, जिन्नी वार वाहिगुरु जी का जाप कर सकते हो जाप करना, मालक का शुकराना करना। शुकराना कदा करना है, ये नवे सोहने दिन का जो सानू नवा दिन वेखण का मौका मिलिया, सोहने शरीर का, सोहने घर बार का, अपने परिवार का, बच्चों का, जो भी वाहेगुरु अकाल पुरख जी वालों सानू दातां मिल रही ने, वो इकली इकली चीज़ का मालक दे अगे शुकराना करना है कि सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी मेरी जिंदगी दे विच ये दातां बख्शियां, मेरे उत्ते ये कृपा कीती। फिर उस तो बाद बिस्तर तो पैर थले लाउणा, फिर इशनान करना, इशनान करके गुरबाणी का पाठ करना, गुरबाणी का पाठ करके अरदास बेनती करनी, अपने लिए भी करनी, अपने परिवार के लिए भी करनी कि सतगुरु सच्चे पातशाह मेरे घर परिवार के जीयां दे सिर ते मेहर भरिया हाथ रखो, जिवें तुसीं मेरे उत्ते कृपा कीती आ इवें मेरे परिवार के मैंबरां दे उत्ते भी कृपा करो। इन्हां दी झोली दे विच भी अमृत वेले की दात पाओ, अमृत वेले का नेम पाओ। जे पूरा परिवार अमृत वेले उठदे हो, उठ के नाम जपदे हो, तो फिर वाहेगुरु जी का शुकराना करो कि वाहेगुरु जी तुहाडा शुक्रिया कि तुसी ये कृपा साडे उत्ते कीती आ, ये कृपा ये मेहर साडे उत्ते इसे तरह बनाई रखनी। फिर मालक दे अगे अरदास बेनती शुकराना करन तो बाद अपने आप नू मोटीवेट करना है, अपने आप नू पॉजिटिव विचारां दे नाल भरना है। अपने मन दे उत्ते कोई भी माड़ा ख्याल माड़ा विचार नहीं आउण देना। अपने आप नू कहना है कि तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि तेरे सिर दे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह दा मेहर भरिया हाथ आ, इस करके तेरे अगे कोई भी काम अड़ नहीं सकता, तू हर एक काम नू वधिया तरीके दे नाल कर पावेगा। अपने आप नू शाबाशी देनी आ, अपने आप दी तारीफ करनी आ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आ जो सवेरे उठदिआं सार अपने आप दे विच्चों कमियां कढ़नियां शुरू कर देंदे आ, अपने आप नू बुरा भला कहना शुरू कर देंदे आ। सवेरे उठदिआं सार शीशे विच अपना चेहरा देख के कहणगे, अपने रंग रूप दे उत्ते कमेंट करदे ने, पर नहीं, जो ये सोहना शरीर वाहेगुरु अकाल पुरख जी ने दिता है ना, ये कुछ सोच समझ के दिता है। साडा शरीर साढ़े सतगुरु सच्चे पातशाह वालों बनाई हुई एक सोहनी रचना है, तो फिर साडा कोई हक नहीं बनता इनू माड़ा कहण दा। बस मालक का शुकराना करना है, सतगुरु सच्चे पातशाह तुसीं ये सोहना शरीर दिता है, मेरे अंग पैर सही सलामत आ, मैं अपनी मर्जी दे नाल तुरदा फिरदा हाँ, अपनी मर्जी दे नाल खा पी रहा हाँ,
खादा पीता पजा रहा हाँ। वाहिगुरु जी तुहाडा शुक्रिया, तुहाडा कोटन कोट धन्नवाद कि तुसीं इन्नी वड्डी कृपा मेरे उत्ते कीती हुई है। बस मालक का शुकराना करना है ते अपने आप नूं शाबाशी देनी आ, कदे भी किसे दे नाल तुलना करके अपने आप नूं नीचा नहीं दिखाउणा। साडे विचों बहुत लोग ने जो ये शिकायत करते हैं कि लोग मेरी कदर नहीं करते, मेरे रिश्तेदार मेरे भैन भरा मेरी कदर नहीं करते, पर यही सवाल अपने आप तो पुछ के देखना कि असी अपने आप की कदर करते हैं। सब तो वध कमियां, सब तो वध नुक्स असी अपने आप दे विचों कढ़दे रहिंदे आ कि मेरे विच आ चीज की घाट आ, मेरे विच ओह चीज की घाट आ, ते इल्जाम असी लाउंदे आ दूजियां ते। असी तां इह कम करदे वी सवेरे सवेर उठ के आ, उठदिआं सार ही शीशे अगे खड़ के अपने आप चों कमियां जां दूजियां दे नाल तुलना, पर इह कम नहीं करना। अपने आप नूं शाबाशी देनी आ, अपने आप नूं हल्लाशेरी देनी आ कि तेरे सिर दे उत्ते सतगुर सच्चे पातशाह दा मेर भरिया हाथ है, इस करके तू सब कुछ कर सकता हाँ। अपने आप को कहना कि तू एक खुश आत्मा है, तू एक शांत आत्मा है। इस तरह सवेरे उठद्या सार असी अपने आप को पॉजिटिव विचारों के नाल भर लेना है ता जो साडे उत्ते नैगेटिव विचारों का प्रभाव ना पै सके, क्योंकि जिन्ना ही असी अपने आप को पॉजिटिव विचारों के नाल भरांगे उन्ना ही पूरा दिन पॉजिटिव रहांगे। तो बस इन्ना कुछ गल्लां दा ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि जिस दिन सानू इन्ना गल्लां दी समझ आ गई ना तो साडी जिंदगी बड़ी सोहनी हो जाएगी, सौखी हो जाएगी। कुछ काम करने असी खुद औखे किए हुए हैं, क्योंकि सानू वार वार एक गल समझाई जाती है भी अपने मन में आप जिन्ना पॉजिटिव विचार भर के रखांगे उन्ना ही साडे नाल चंगा होगा, पर आप अपने मन में हमेशा नैगेटिव विचार भर के रखते हैं, मन के माड़ा माड़ा सोचते हैं, तो फिर जो आप मन के सोचते हैं उ साडे नाल सच होना शुरू हो जाता है। इन्हां गल्लां नूं आपां छोटियां गल्लां समझदे आ, इन्हां नूं आपां सुन के अणदेखा करदे आ, कदे भी अपनी जिंदगी दे विच इन्हां चीज़ां नूं लागू नहीं करदे। जिस दिन तो इन्हां चीज़ां नूं समझ लिया भी जो भी असीं मन विच वार वार सोचदे आ उही साडे नाल सच होना शुरू हो जाता है, फिर उसे दिन तो आपां अपने लई चंगा चंगा सोचना शुरू कर देवांगे। तो फिर आओ अज तो ही ये शुरुआत करिए, जिन्ना ही अपने बारे चंगा सोचांगे उन्ना ही साडे नाल चंगा होगा, जिन्ना ही अपने मन में पॉजिटिव विचारां नाल भर के रखांगे उन्ना ही साडा मन चंगे पासे जाएगा। तो फिर ये शुरुआत आपां सवेरे सवेर तो करनी आ उठदिआं सार तो, क्योंकि उठदिआं सार जिहड़ा प्रभाव साडे मन दे उत्ते पै गया वह पूरा दिन बनिया रहना है। तो फिर आओ एक निक्की जी कोशिश करिए, जेकर अज की ये वीडियो तुहानू चंगी लगी आ तो फिर इनू लाइक अते शेयर जरूर करियो जी, पर जेकर कोई भी गल तुहानू चंगी ना लगी होवे तो फिर आप मुआफ कर देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।